फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम रक्षाबंधन थीम पर एक केक बनाने जा रहे हैं, और जो कि मैं अपने ये रक्षाबंधन थीम का केक मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। और मैंने आज चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है, इसको मैंने 4 लेयर्स में कट किया है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना केक बनाना। अब इसको हम सोकिंग कर रहे हैं इस तरीके से। मैंने ये प्लेन वाटर लिया है, मैं इसे सोक कर रही हूँ। और दिखा लो, ये कुछ मैंने चॉकलेट्स के मैंने इसमें लिया है, इसको इस बीच में फिल कर रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम सेकंड लेयर अपनी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब फिर से इसको सोकिंग करेंगे। हमें ध्यान रखना कि इससे ये हार्ड नहीं रहेगा और क्रीम में मॉइस्चर आएगा इसी से, और वरना केक वरना अपना छोड़ देता है। क्रीम अलग हो जाती है और आपका ये अलग हो जाएगा स्पॉन्ज। देखिए मैं किस तरीके से सोकिंग कर रही हूँ। अगेन फिर इसके ऊपर हम लोग अपनी क्रीम को अच्छे से अप्लाई करेंगे। क्रीम आप अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा कम, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन मैं आपके लिए क्रीम को कैसे बीट करते हैं, किस तरीके से इसको स्टोर करते हैं, मैं ये भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अब हम साथ के साथ इसके साइड के किनारे जो हैं इसके फिल करेंगे, जिससे कि हमारी केक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट आएगा। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अब हम इसमें फिर से ये अपने चॉकलेट्स बॉल्स थोड़े हैं मेरे पास, मैं इनको फिल करूँगी। इसको हम लोग चॉको चिप्स भी बोलते हैं, ये मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम लोग ये थर्ड लेयर अप्लाई करेंगे इसमें। अगेन इसको सोक करेंगे। याद रखना है किनारों से हमें पहले पानी ज़रूर डालना है। इस तरीके से हम लोग चोको चिप्स के साथ साथ इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपना। हम लोग गनाश भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट को बारीक बारीक काट के उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिलिंग में आपके आपको जो पसंद हो वो फिलिंग कर सकते हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए ये केक बना रही हूँ। ये मेरे अपने घर का केक है, मुझे मेरे बच्चों को चोको चिप्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के टेस्ट के हिसाब से इसमें चोको चिप्स को फिल कर रही हूँ। आप कुछ भी फिल कर सकते हो चॉकलेट के साथ में। फिर इसमें हम ये चोको चिप्स को फिर से फिल करेंगे। अगेन फिर से ये हम लास्ट लेयर अपनी शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर और इसको सोकिंग करेंगे। अगेन फिर इसके ऊपर हम लोग साइड वॉल्स को फिल करेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिल कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारे केक की बिल्कुल सीधा आता है और जो क्रम्स होते हैं वो क्रीम में मिक्स नहीं होते हैं। और हम थोड़ी सी क्रीम को लेकर इसके ऊपर पहले अप्लाई करेंगे और इसको हम क्रम कोट करेंगे। ऐसा करने से इसमें क्रम्स नहीं आते हैं क्रीम में, फाइनल टच देने में बहुत आसानी होती है और फिनिशिंग आती है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैं जो क्रम्स थोड़े बहुत यहाँ साइड से गिर जाते हैं उसको हटाना होता है, क्योंकि वो हमारी क्रीम में आएंगे और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब मैं अपनी क्रीम ले रही हूँ, उसमें हल्का सा ये येलो कलर में ऐड कर रही हूँ। ये मैजिक का कलर है, आप देख सकते हैं ये मैजिक का येलो कलर है। और मैं इसको इसमें बहुत लाइट शेड दिया है मैंने अपने क्रीम में, देख सकते हो किस तरीके से मैंने किया है।
क्योंकि मुझे लाइट ही शेड चाहिए था। देख सकते हैं कैसे मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने साइड से इसको पहले प्रॉपर तरीके से क्रीम को अप्लाई कर दिया है अच्छे से। अब मैं ऊपर इसके क्रीम को अप्लाई करने जा रही हूँ। देखिए अपना टेस्ट होता है कि आपको क्रीम कम ज़्यादा किसको किस तरीके से पसंद है, पर बच्चों को तो क्रीम खासकर बहुत अच्छी लगती है। आप बच्चों को तो कितना भी केक खिलाइए, एक केक बनाइए, 10 मिनट का काम है बच्चों के लिए खाने के लिए, तो क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है भाई। ये बच्चों की खास डिमांड है मेरी कि आज एक रक्षाबंधन पे अच्छा सा क्यूट सा एक केक बनाओ, तो मैं आज उन्हीं की पसंद से एक केक बना रही हूँ। और ये पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसको देखिए कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमारी साइड से हटा देंगे। अब हम लोग अपना ये स्क्रैपर लेंगे। अब स्क्रैपर की हेल्प से अब मैं इसको स्ट्रेट करूँगी और इसमें फिनिशिंग दूंगी। ये मैंने स्क्रैपर लिया है, आप देख सकते हैं। अब स्क्रैपर को हम लोग साइड से रखेंगे और इसको अच्छे से हम लोग क्लीन करेंगे। देख सकते हो कि मेरा केक कितना अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया है। और साइड से जो हमारी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको भी हम लोग हटा देंगे। और देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा फिनिशिंग आई है। और आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो। लाइट हैंड से इसको रखना है ऊपर, हमें बहुत लाइट हैंड से, और इसको टर्न टेबल को अपना घुमाते जाना है। ऐसा करने से एक बार में ही फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। अब मेरा केक ऑलमोस्ट रेडी होने जा रहा है। अब हम अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको क्लीन करेंगे। और सबसे पहले हम अपना पैलेट नाइफ को क्लीन करेंगे और साइड से हटाते जाएंगे अपना इस तरीके से। इस काम में हमारा पैलेट नाइफ को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट केक रेडी है। अब ये करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे, मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और इसमें मैंने पहले से ही एक नोज़ल को ऐड किया है। आप देख सकते हैं ये नूर का 12 नंबर है, आपको दिख रहा होगा नूर का 12 नंबर है। इससे मैं इस केक में अपने बॉर्डर दूंगी। अब बॉर्डर देने से पहले हम लोग उसको अपने एक केक बोर्ड पर शिफ्ट कर लेंगे। हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसको अपनी टर्न टेबल के ऊपर रखेंगे। इसे ऐसा करने से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक दो अपना ये पानी का डाल देंगे स्पून, इसे एक दो स्पून, और ये देख सकते हो इससे हमारा ये टिश्यू पेपर चिपक जाएगा और हमारा ये केक बोर्ड से कहीं भी स्लिप नहीं होगा। और इसी की हेल्प से, टिश्यू पेपर की हेल्प से हम इसको अपना साइड बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग अपना एक इसमें बॉर्डर देने जा रहे हैं। बॉर्डर के लिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि हल्का सा इसको डार्क क्रीम करूँगी कलर को। हम पाइपिंग बैग में इस तरीके से 2 ड्रॉप्स ये डालेंगे कलर को अपना, और इस तरीके से इसको करके इसको इस तरीके से कर लेंगे।
और अभी क्रीम को ऐड करेंगे तो मैं स्पून की हेल्प से इसमें ये क्रीम को फिल कर रही हूँ। देखिए मैंने अपनी ये क्रीम को इसमें पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इस तरीके से अब फिल करने के बाद इसको इस तरीके से हमको करना है और एक बार हमें इसको निकाल लेना होता है क्योंकि इसमें एयर आ जाती है तो वो बीच में गैप आने लगता है काम करते समय। अब देखिए मैं किस तरीके से बॉर्डर को बना रही हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए हम अपने पाइपिंग बैग की हेल्प से इसमें एक बॉर्डर कर रहे हैं, दे रहे हैं इसमें। बॉर्डर निकालने से ना अपने केक की एक अच्छी शो आ जाती है और केक स्मार्ट लगने लगता है अपने आप में। आप देख सकते हैं मेरे कितना अच्छा एक बॉर्डर आया है। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइड अपना बॉर्डर दिया है। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये अपना केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने ये फोंडेंट के कुछ टॉपर्स बनाए हैं, देख सकते हैं ये बहन, ये भाई और राखी, ये मैंने फोंडेंट से प्रिपेयर किए हैं और फोंडेंट से बनाए हैं। मैं एक बार अपनी लाइव उसमें लेके आऊँगी वीडियो में कि किस तरीके से फोंडेंट के टॉपर्स बनाए जाते हैं, इनको हम 3D टॉपर्स बोलते हैं। ठीक है चलिए फ्रेंड्स अब हम राखी पहले अपनी बहन को शिफ्ट करेंगे और भाई को। देखिए मैंने अपनी ये लड़की को रखा है और ये साथ में ये भाई और ये मैंने बीच में राखी इस तरीके से। हाँ और इसको हमने इस तरीके से इस पर शिफ्ट कर दिया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हमारी ये किस तरीके से लग रहा है केक। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस तरीके से आप अपने घर में भी बना सकते हैं।